नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंबाला कैंट में अंग्रेजों के जमाने की बनी बिल्डिंग बीडी फ्लोर मिल को प्रशासन द्वारा किया गया सील। अंबाला डीसी के आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई। इस मौके पर अंबाला कैंट SDM सुभाष सिहाग के साथ नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार, अंबाला कैंट DSP राम कुमार व SHO महेश नगर, SHO सदर के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बिल्डिंग में अवैध रूप से कई परिवार रह रहे थे, जिनका कहना था कि वो किराए पर रह रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर जानवरों को भी रखा गया था। फिलहाल बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है और ताला लगाकर सील कर दिया गया है। जब इन लोगों ने नोटिस के न मिलने की बात कही तो SDM सुभाष सिहाग ने कहा कि पार्टी को नोटिस दिया जाता है, ना कि किराए पर रह रहे लोगों को, और पार्टी को नोटिस दे दिया गया था। डीसी साहब के आदेश थे, इन्होंने जो ओल्ड ग्राउंड की प्रॉपर्टी है उसमें वॉयलेशन की हुई है, और जब अंदर आगे चेक किया तो वॉयलेशन बहुत ज़्यादा वॉयलेशन है। जगह जगह कुछ बना के आगे किराए पे दे रखी है, कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है, वो भी कह रहा है जी मेरे को 12,000 रुपये पर मंथ किराया दे रहा हूँ। कई हाउसेज हैं जो कह रहे हैं जी हमने रेंट पर लिया हुआ है, तो वॉयलेशन है। प्रॉपर्टी जो ली है जिस पर्पज़ के लिए, उसकी वॉयलेशन है, इसी वजह से इसको जो है रिज्यूम कर रहे हैं। अभी बस चल रही है कार्रवाई, एक लास्ट एक गेट पे रह रही है, वो कर देंगे अभी। ये प्रॉपर्टी का तो पूरी डिटेल तो अभी फाइल पता लगे, काफ़ी मात्रा में है ये, तो उसको ये तो नहीं बता सकता कितनी प्रॉपर्टी है। ये तो आज का नोटिस नहीं है, इनको बकायदा नोटिस पार्टी को होता है नोटिस। हमें तो ये नहीं पता ना कि अंदर किराए पर रेंट पे कौन है। पार्टी को नोटिस हुआ है, पार्टी को नोटिस दे के बकायदा सुना भी गया है, सारा कुछ हुआ है, इन्होंने को जवाब भी दिया है, उसके ऊपर उसके बाद ही फैसला हुआ। परिवार अंदर दो तो हाउसेज थे, बाकी ये लेबर के चार हाउसेज लेबर के ये परिवार ये थे, इसके अलावा एक परिवार उधर और रह रहा है, उसको अभी करवा रहे हैं। जानवर थे, गौएं थी, गाय भी थी, कुछ एक घोड़ा है वो भी है। इसे सील किया जाना है सर? हाँ बिल्कुल सील किया जाना है।